आप सभी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, कवि वही रामधारी सिंह दिनकर जो साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर है और जिनकी कलम में ही दिनकर यानी एक सूरज सी चमक है। और उनकी कविताएं न सिर्फ उनके समय का सूरज थी बल्कि आज भी पीढ़ियां उनकी कविताओं की इस रोशनी में प्रकाशमान होती है। उनकी एक बेहद ही खूबसूरत रचना है रश्मि रथी, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है, एक कविता का छोटा सा पार्ट है जो मुझे बेहद ही पसंद है और अक्सर उस कविता से मैं खुद को अपने आप को प्रेरित भी करती हूँ। दरअसल वो जो पार्ट है उसमें ये दर्शाया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के कहे अनुसार जब कौरवों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई हमें पांडवों को कुछ भी नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दीजिए, बाकी जो है आप सब रख लीजिए, तब कौरवों को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिक को कहते हैं कि जाओ पांडवों के इस दूत को जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको बांध दो। तब भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और वो एक विकराल रूप धारण करते हैं। उस पर ये आधारित एक कविता है जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वो कविता कुछ इस तरह है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल मुझमें लय है संसार सकल, अमृतव फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे है मैं नाक मेरु पग मेरे है, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर, दृग है तो दृश्यकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात यमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने हा हा दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है, अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर रही प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण मूंद से छूटेंगे, वायस श्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा, भी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये एक बेहद ही खूबसूरत रचना थी जो कि कवि रामधारी सिंह द्वारा रचित थी और वाकई मैं इस कविता से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ और 2021 का जो ये वर्ष था इसमें इस कविता से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ और इसी वजह से ये कविता मैंने आप सभी को सुनाई है। और चूंकि आप सभी को पता है साल 2022 आने वाला है तो उम्मीद करती हूँ कि
कोई रंज न हो आपके पास, ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आप सभी जो भी आपने सपने बुने हैं 2022 के लिए वो सभी पूरे हो। शुक्रिया और जुड़े रहिए पीके टाइम्स के साथ।